पदार्थ की संरचना में अध्याय दो चल रहा है हमारा, और अब आपको लाइव क्लासेस का फायदा रोज मिल ही रहा है विज्ञान की का। इससे पहले आपको मैथ्स का और इंग्लिश का तो मिल ही रहा था। तो इसमें हमने आसवन के बारे में पढ़ लिया था, हम क्या पढ़ रहे थे, पदार्थ शुद्धिकरण, पदार्थों का शुद्धिकरण। इसमें हमने आसवन पढ़ लिया, और आसवन से पहले हम क्रिस्टलीकरण पढ़ चुके थे, ऊर्ध्वपातन भी पढ़ चुके थे। अब है हमारा प्रवाजी आसवन। तो आसवन और प्रवाजी आसवन दोनों में यहां देखो थोड़ा सा अंतर है, यहां एक शब्द जुड़ गया है प्रवाजी, और इसके लिए इसमें क्या होता है कि जो आसवन होता है उस आसवन की क्रिया के समान या सिर्फ एक अलग से एक कॉलम जुड़ जाता है, एक स्तंभ जुड़ जाता है, जिसे बोलते हैं प्रभाज। तो प्रभाजी आसवन में सिर्फ एक प्रभाज स्तंभ और जुड़ दिया जाएगा आसवन के अंदर, पहला अंतर। दूसरा अंतर क्या है कि जो प्रभाजी आसवन किया जाएगा उसमें दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर कम होगा, तो उन दोनों को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन की क्रिया की जाएगी। तो प्रभाजी आसवन की क्रिया में दो द्रवों के अंदर क्वथनांक में अंतर कम होना चाहिए। जब प्रभाजी आसवन किया जाएगा तो पहला द्रव जिसका क्वथनांक कम है वो तो हमें पहले प्राप्त होगा, और दूसरा द्रव जिसका क्वथनांक अधिक है वो हमें बाद में प्राप्त होगा। यहां हम जो पृथक कर रहे थे उस पृथककरण में पहले द्रव को पृथक कर लिया जाएगा, थर्मामीटर लगा हुआ है, थर्मामीटर से हम टेम्परेचर देखते जाएंगे, और उस टेम्परेचर को देखते देखते हम ये भी निर्धारित कर लेंगे कि कब पहला अलग हो गया है, फिर दूसरे का नंबर आ जाएगा। तो लिखेंगे क्या, जब दो द्रवों के क्वथनांक में पर्याप्त अंतर ना हो, जब दो द्रवों के क्वथनांक में पर्याप्त अंतर ना हो, पर्याप्त का मतलब जिसको कि हम आसवन के द्वारा पृथक कर सकें, इतना अंतर ना हो उनके अंदर, तो यह विधि काम में आती है। यह विधि काम में लेते हैं, कौन सी विधि, प्रवाजी आसवन विधि। इसमें करते क्या है, इसमें एक प्रवाज स्तंभ लगाकर द्रव की बाष्प को गुजारते हैं, द्रव की जो बाष्प बन रही है उस बाष्प को गुजारते हैं हम, कब, प्रवाज स्तंभ लगा करके। द्रव की बाष्प को गुजारते हैं, तो कम क्वथनांक वाला द्रव पहले एवं अधिक क्वथनांक वाला द्रव बाद में प्राप्त होता है। जो हम वहां संग्राहक लगा हुआ है, कलेक्टर लगा हुआ है, उसमें क्या होगा, कम क्वथनांक वाला द्रव तो पहले हमें मिल जाएगा और अधिक क्वथनांक वाला द्रव हमें बाद में प्राप्त हो जाएगा। उदाहरण क्या है इसका, पेट्रोलियम का पृथक्करण, पेट्रोलियम का प्रवाजी आसवन, पेट्रोलियम से पदार्थों का पृथक्करण होगा, पेट्रोलियम का प्रवाजी आसवन।
प्रवाज स्तंभ मैंने कल आपको बताया था, अब इसका चित्र कैसे बनेगा? हो गया, अब चित्र बनाते हैं इसका। देखो एक फ्लास्क लेंगे, इसमें हमने मिश्रण ले लिया द्रवों का। वही तरीका देखो, एक थर्मामीटर लगाना है यहां पर हमें, क्योंकि द्रव में डूबा हुआ रहेगा। और यहां से एक नली लगानी है जो कि जो बाष्प बनेगी उस बाष्प को अलग करेगी। ये तो था प्रवाजी के लिए, ठीक है। अब आसवन के लिए, अब हम प्रवाजी आसवन करना है तो यहां से हमें थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा कि हमें इसमें पहले एक प्रभाज लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? प्रभाज। तो इसको मैं थोड़ा थर्मामीटर छोटा कर देता हूं, और इसको भी थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि हमें यहां प्रभाज भी लगाना है। तो देखो पहले यहां लगाएंगे एक प्रभाज, ये देखिए ये मैंने प्रवाज लगाया। और यहां पर क्या है कि ये इस तरह से बीच में स्तंभ, यहाँ समानांतर ये कुछ बनी हुई है, जिससे क्या है कि बाष्प बनेगी, वो बाष्प टकरा करके ठंडी होगी और ठंडी होकर के फिर वापस यहीं पर आ जाएगी। ये देखिए ये प्रवाज लगा दिया हमने, यहां पर कॉर्क लगाया रबर कॉर्क, और इसको पैक कर दिया, एयर टाइट कर दिया बिल्कुल, ठीक है। अब इसको इधर ले आए, और यहां संगनक लगाना है हमें। यहां पर मैंने लगा दिया संगनक, ये लो। जिसमें से ठंडा पानी प्रवाहित होगा, और ये यहां सिंपल है। अब तो सिर्फ कलेक्टर लगाना है यहां पर, संग्राहक, जो यहां से जो बूंद बूंद गिरेगी उस बूंद को बाष्प होगा, बाष्प का संघनन होगा। संघनन होने के बाद वो बाष्प ठंडी होगी और उसको यहां इकट्ठा कर लिया जाएगा, ठीक है। स्टैंड इधर लगा देता हूं, यहां पर बर्नर जो कि बाष्प बनाएगा, इसमें से पानी प्रवाहित होगा यहां से इन और यहां से आउट, अंदर बाहर। क्या है इसके अंदर? ठंडा पानी, ठीक है। और इसको हम स्टैंड के द्वारा इसको भी बांध देते हैं, ये कलेक्टर रखा हुआ है संग्राहक, और इसमें बूंद बूंद करके द्रव गिरता रहेगा। यहां हमने ऐसा द्रव भरा हुआ है जिसके क्वथनांकों में अंतर, मिश्रण है दो द्रवों का, इसके क्वथनांकों में अंतर कम है। तो इस प्रकार से देखिए, ये तो है द्रवों का मिश्रण, ये बर्नर है, ये स्टैंड है यहां पर, ठीक है। ये प्रवाज स्तंभ, ये प्रवाज स्तंभ लगा हुआ है, थर्मामीटर लगा हुआ है यहां पर, ठीक है। ये लगा हुआ संघनक, ये संघनक लगा हुआ है, ठीक है। ये संग्राहक, यहां पर संग्राहक लगा हुआ है और बूंद बूंद करके गिर रहा है, ठीक है। होगा किस तरह से देखिए, यहां से बांस बनेगी जब इसको हम गर्म करेंगे, समझिए। पहले जब इसको गर्म किया जाएगा, गर्म करने पर दोनों द्रवों की बांस बनेगी। मान लो एक द्रव का क्वथनांक है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरे का क्वथनांक है 42 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये जो अंतर है, ये तो हम कहां यूज कर लेंगे? सिर्फ आसवन के अंदर। अब किसी एक का तो 20 और दूसरे का है 30,
या 32 डिग्री सेंटीग्रेड। अंतर कितने का है? 12 डिग्री सेंटीग्रेड का। जब यहां हम इसको गर्म करेंगे, गर्म करते ही दोनों द्रवों की वाष्प बनेगी, लेकिन इसकी वाष्प अधिक होगी, जो वाष्प होगी इसकी अधिक होगी और इसकी कम वाष्प बनेगी, और इसके जो वाष्प के मॉलिक्यूल्स होंगे, जो अणु होंगे, उनकी गतिज ऊर्जा भी अधिक होगी इसके की कम होगी, क्योंकि इसको वाष्प बनाने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता है, लेकिन थोड़ी बहुत वाष्प, जो अणु जिनकी पहले से गतिज ऊर्जा अधिक है वो तो गर्म होकर के ऊपर उठ जाएंगे। अब ऊपर उठे, यहां से प्रवेश करेंगे, दोनों की वाष्प प्रवेश कर रही है। अब यहां ये और ये दोनों की वाष्प इससे टकराई, लेकिन इसकी जो वाष्प होगी वो अधिक ऊंचाई तक प्रवेश कर जाएगी, अधिक ऊंचाई तक चली जाएगी और यहां तक आ गई, लेकिन इसकी वाष्प कम है, उनकी गतिज ऊर्जा पहले ही कम है, वो यहां टकराएगी, यहां टकराए थोड़ी बची, यहां टकराया और वापस से ठंडा होकर के इसके अंदर आ जाएगी। और थर्मामीटर में हम टेम्परेचर भी साथ साथ देखते रहेंगे कि टेम्परेचर कितना हो रहा है। जैसे ही टेम्परेचर 30 के आसपास होगा, 30-35 के आसपास होगा, तब हम समझ लेंगे कि ये इसमें से पूरा निकल चुका है, अब सिर्फ यही बचा है। तो हम यहां से संग्राहक को हटाएंगे, संग्राहक को हटाकर दूसरा संग्राहक लगा देंगे जिसमें हमें दूसरा द्रव प्राप्त हो जाएगा। तो यह है प्रवाजी आसवन का चित्र, जिसको आप बना लें। थर्मामीटर, यह लगा हुआ है। चलिए अगला है हमारा प्रक्रम विभेदी निष्कर्षण। विभेदी निष्कर्षण में देखिए, नाम से पता लग रहा है आपको कि यहां पर विभेदन करना है किन्हीं दो परतों के अंदर। विभेदी निष्कर्षण, इसमें क्या होगा कि दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथक किया जाएगा। अमिश्रणीय मतलब ऐसे द्रव है जो आपस में मिलते नहीं है, घुलते नहीं है, जैसे तेल और पानी अमिश्रणीय हो गए, तो दो अमिश्रणीय द्रवों के पृथककरण के लिए काम में ली जाएगी। दो अमिश्रणीय द्रवों के पृथक्करण हेतु उपयोग में ली जाती है। कि जो विभेदी निष्कर्षण की विधि है, ये विधि दो अमिश्रणीय द्रवों के पृथक्करण हेतु उपयोग में ली जाती है। इसमें जो उपकरण काम आता है, उस उपकरण का नाम है पृथक्कारी कीप। उपकरण काम में लिया जाएगा पृथक्कारी कीप, ठीक है। उदाहरण किसको पृथक करेंगे? तेल एवं पानी का मिश्रण करेंगे, कैसे वो देखो। एक इस तरह की कीप होती है, जो पृथक्कारी कीप होती है, वो इस तरह से, ठीक। ये पृथक्कारी कीप है और ये है इसकी टोटी, ये हो गया
पृथककारी की, थोड़ा इधर लिखूं मैं, या हम कलेक्ट करेंगे, पृथककारी की। देखिए हमने क्या किया, यहां पर मिश्रण भर लिया, तेल और पानी दोनों मिल गए थे हमें गलती से, हमारे पास तेल भरा हुआ था, उसमें पानी गिर गया या पानी में तेल गिर गया। अब उनको पृथक करना है, कैसे करें, तो इस कीप के अंदर हमने डाल लिया पृथककारी कीप में। जब डालेंगे तो यहां पर आपको नीचे तो दिखेगा पानी, ठीक है, और ऊपर रहेगा तेल, ये दूसरी लेयर हो गई, ये पहले द्रव की लेयर और दूसरे द्रव की परत हो गई, दो परतें हो गई अलग अलग, दोनों परतों को मैंने अलग अलग बनाया हुआ है। अब इसको पृथक करना है, तो पृथक करने के लिए देखिए बनाइए आप पहले, देखिए पृथक करना बहुत आसान, आपको अलग अलग दिख रहा है, एक तो मैंने डॉट 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 से बनाया और एक मैंने जिगजैग लाइन है टेढ़ी मेढ़ी लाइन से बनाया, दो अलग अलग द्रव है। पृथक करने के लिए यहां एक संग्राहक रखा हमने, एक बर्तन रखा, संग्राहक क्या है, एक बर्तन है, सिंपल बीकर रख लेते हैं हम, कुछ भी रख लें, ठीक है, और इस टोटी को मैं ऑन कर दूंगा, इसको चालू कर दूंगा, जैसे चालू करूंगा यहां से द्रव आना प्रारंभ कर देगा और इसमें द्रव इकट्ठा हो जाएगा, जैसे ही एक द्रव पूरा निकलेगा वैसे ही हम क्या करेंगे, इसको दूसरा आना लगेगा तो हम इसको ऑफ कर देंगे, टोटी को बंद कर देंगे, टोटी को बंद करते ही इस बर्तन को हटा लेंगे, फिर दूसरा बर्तन लगा के दूसरा द्रव उसमें इकट्ठा कर लेंगे, या दूसरा द्रव इस पृथककारी कीप में अपने आप ही पृथक हो जाएगा। तो ये है तेल और पानी, इस तरह के जो द्रव है जो अमिश्रणीय है, ठीक है, उन दोनों को यहां से इस उपकरण के द्वारा पृथक किया जा सकता है। हो गया, अब देखिए यह तो रहा हमारा पदार्थों का शुद्धिकरण। अब पदार्थों के शुद्धिकरण के बाद आगे हम पढ़ेंगे, दो टॉपिक और करवाऊंगा मैं, एक तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन और एक पदार्थ की अवस्थाएं, तो यह टॉपिक हम करेंगे अभी छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका।
ब्रेक से पहले पृथक्करण हमने पूरा कर लिया है, अब हम बात कर रहे हैं परिवर्तनों की। परिवर्तन मतलब यदि कोई द्रव है या कोई द्रव्य है वो अपने भौतिक और रासायनिक गुण बदलता है, मतलब उसके भौतिक या रासायनिक गुणों में परिवर्तन आता है। भौतिक जैसे उसकी अवस्था है, उसकी गंध में परिवर्तन आ रहा है, या रासायनिक गुण, या उसकी कोई रासायनिक प्रकृति है, रासायनिक नेचर है, उस रासायनिक नेचर में कोई भी चेंज आ रहा है तो वो क्या होता है, परिवर्तन कहलाता है। तो परिवर्तन की परिभाषा क्या होगी, जब द्रव्य अपने भौतिक एवं रासायनिक गुणों को बदलता है तो यह घटना परिवर्तन कहलाती है। जब द्रव्य अपने भौतिक या रासायनिक गुण बदलता है तो यह घटना परिवर्तन कहलाता है। जैसे अवस्था परिवर्तन, रंग परिवर्तन, गंध परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन, रंग परिवर्तन, गंध परिवर्तन, प्रकृति परिवर्तन, उसकी प्रकृति में परिवर्तन हो जाए, आदि। इस प्रकार के परिवर्तन अगर हो रहे हैं, दोनों साथ साथ ही हो सकते हैं। देखो यहां हमने यह वर्ड यूज किया है, हो सकता है दोनों साथ साथ हो, उसकी भौतिक अवस्था भी परिवर्तित हो रही हो और रासायनिक अवस्था भी परिवर्तित हो, या उसका रासायनिक गुण भी परिवर्तित हो रहा हो। अवस्था, कोई द्रव है वो वाष्प में बदल जाए या वो ठोस में बदल जाए। अब इनके आधार पर क्या होगा कि ये परिवर्तनों को आगे विभाजित किया जाएगा। तो हम दो प्रकार के परिवर्तन पढ़ते हैं इस तरह से, रंग परिवर्तन, उसका रंग बदल जाए या उसकी कोई गंध में परिवर्तन हो जाए, पहले गंध कुछ और थी बाद में कुछ और हो जाए। प्रकृति बदल जाए, उसकी अम्लीय क्षारीय, पहले क्षारीय हो सकता है बाद में अम्लीय हो जाए, उसकी प्रकृति बदल जाए। तो ये जो परिवर्तन, ये जो चेंजेज होंगे, जो परिवर्तन आएंगे उनको हम अलग बांट के पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जो परिवर्तन है वो परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के परिवर्तन, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन, जिसे हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन, और दूसरा उसकी रासायनिक अवस्था में परिवर्तन या उसकी रासायनिक प्रकृति में परिवर्तन, जिसे कहा जाएगा रासायनिक परिवर्तन। तो दो प्रकार के हो गए, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। पहला है भौतिक परिवर्तन, टेबल बना के लिखेंगे हम, जिससे अंतर भी साथ साथ चलता रहेगा। और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। मान लो प्रश्न आ जाए कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए, तो वो दोनों साथ साथ चलते रहेंगे, ठीक है, ए भौतिक परिवर्तन और बी रासायनिक परिवर्तन। देखिए, ऐसा परिवर्तन
जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण तो समान रहते हो लेकिन उसके रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाते हो, ठीक है, रासायनिक आ जाएगा। अब हम बात पहले भौतिक की बात कर लेते हैं। चलो, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण तो समान लेकिन भौतिक गुण उसके परिवर्तित हो जाते हो, जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण परिवर्तित होते हों हो जाते हैं लेकिन रासायनिक गुण नहीं बदलते, लेकिन रासायनिक गुण नहीं बदलते, इसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं आएगा, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। देखिए, भौतिक गुणों समझिए आप, भौतिक गुण का मतलब है उसकी अवस्था परिवर्तन हो जाए या रंग बदल जाए या गंध बदल जाए, ये होते हैं भौतिक गुण। जैसे बर्फ, बर्फ को अगर हम पिघला दें तो बर्फ को पिघलाते ही वो द्रव्य बदल जाएगी, मतलब उसकी अवस्था बदल गई लेकिन उसके जो रासायनिक गुण थे वो परिवर्तित नहीं हुए, रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं, ठीक है। उदाहरण, और उदाहरण देखिए, एक कागज का उदाहरण ले लूं, मान लो मैं कोई कागज लूं और उस कागज को मैं, ये कागज लिया मैंने, ठीक है, अब इस कागज को मैं ऐसे फाड़ दूं, ये लो मैंने फाड़ा, इसको फाड़ते ही अब इसका कौन सा गुण बदला, इसके दो टुकड़े हो गए, बस रहा तो कागज ही ना, ये भी कागज और ये भी कागज, दो पीस हो गए, इसका मतलब इसके कौन सा परिवर्तन आया, इसमें भौतिक परिवर्तन, पहले पूरा एक बड़ा था अब दो छोटे छोटे टुकड़े उसके हो गए, तो ये भौतिक परिवर्तन इस प्रकार से आया। उदाहरण देखिए, बर्फ से पानी, बर्फ और ये बदल गई पानी में, ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, बर्फ का H2O और पानी का ऊष्मा देनी पड़ेगी, पानी का सूत्र भी क्या है H2O, दोनों का रासायनिक सूत्र समान, कोई परिवर्तन नहीं आया, ये भी H2O और ये भी H2O। इसी तरह से पेपर, इधर भी पेपर था और उधर भी पेपर था, अणुसूत्र दोनों का समान, वही H2O और वही H2O, यहां पर कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से कागज का फटना था, तो ये तो है भौतिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन, तो जिसमें क्या होगा, पदार्थ के रासायनिक गुणों में तो परिवर्तन होगा, ठीक है, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण बदल जाते हों, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। उदाहरण समझिए, अब दोनों को एक साथ, हमने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, सूखी लकड़ी ली हमने, और उस सूखी लकड़ी के टुकड़े को मैंने
बीच में से तोड़ दिया। बताइए कौन सा परिवर्तन हुआ, कौन सा? भौतिक परिवर्तन, बिल्कुल सही। जब मैंने उस लकड़ी के टुकड़े को सिर्फ तोड़ा था तो परिवर्तन हुआ उसमें भौतिक, क्योंकि पहले वो बड़ी थी, अब वो छोटे छोटे दो टुकड़ों में विभाजित हो गई। लेकिन अब मैंने उस लकड़ी के टुकड़े को जला दिया, लकड़ी के टुकड़े को मैंने जला दिया, जलाते नया पदार्थ बन गया, राख बन गई, कुछ ऊष्मा निकली, कुछ धुआं निकल गई उसमें से, तो क्या बन गई, किसमें बदल गया, वो राख में बदल गया, नए पदार्थ का निर्माण हो गया। इसका मतलब परिवर्तन कौन सा हो गया, रासायनिक परिवर्तन। इसी प्रकार से कागज का, जब मैंने इस कागज को फाड़ा, ये कागज का टुकड़ा लिया मैंने इतना बड़ा, मैंने इसको बीच में से इस तरह से काट दिया, या इसको मैंने इसको फाड़ दिया, फाड़ते दो छोटे छोटे टुकड़े हो गए, इसका मतलब कौन सा परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन। अब मैंने इस कागज को जला दिया, मैंने कागज को आग लगा दी, अब आपको दिखेगा नहीं आग लग गई उसमें, तो कागज को आग लगते क्या वो कागज रहा, नहीं, अब किस में बदल गया, वो राख में परिवर्तित हो गया। राख में परिवर्तित होकर ये कौन सा परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन, जिसमें नया पदार्थ बन गया राख। और उदाहरण देखिए, जल वाला H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2, ये कुछ और पदार्थ है, कुछ और ये नया पदार्थ बन गया, ठीक है। या फिर और उदाहरण देखिए, कागज का जलना, लकड़ी का जलना, अच्छा दूध से दही का बनना, अगर हमने दूध को सिर्फ गर्म किया है तो उसकी कुछ अवस्था या थोड़ा बहुत रंग या गंध में परिवर्तन उसमें आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लो हमने दूध को दही में परिवर्तित कर लिया, तो अब क्या होगा, वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। ये भौतिक जो परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय हो सकते हैं, ठीक है। मान लो मैंने बर्फ को पानी में बदला, पानी से दोबारा बर्फ बनाई जा सकती है, तो यह परिवर्तन उत्क्रमणीय भी है। लेकिन इसमें ऐसा संभव नहीं होगा, कागज को मैंने जला दिया तो अब राख से दोबारा से कागज में, राख दोबारा कागज में परिवर्तित नहीं होगी। तो आप इसको जल्दी से नोट करें, अब आगे बढ़ते हैं हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। तो जो पदार्थ है, पदार्थ के बारे में आप पहले देख चुके हो, द्रव्य, पदार्थ, पदार्थ में आप पदार्थ के गुण भी पढ़ चुके हो, पदार्थ में क्या होना चाहिए, एक तो स्थान घेरता हो, क्या होता हो, स्थान घेरता हो, ये आप पहले से ये रिवीजन में चल रहा है, समझिए आप, स्थान घेरता हो जिसमें द्रव्यमान हो, ठीक है, वो क्या होगा, पदार्थ। पदार्थ के गुण आप देख चुके हैं, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बात करूंगा मैं बस। तो पदार्थ की जो अवस्थाएं, मुख्य अवस्था पदार्थ की, तीन मुख्य अवस्थाएं, टोटल अवस्था जो अब तक हम पढ़ना चाहेंगे वो होती हैं पांच, पदार्थ की कुल पांच अवस्थाएं हैं, लेकिन हमें मुख्य तीन अवस्थाओं के बारे में विस्तृत अध्ययन करना है, और बाकी की जो दो अवस्थाएं हैं उनके बारे में विस्तृत अध्ययन नहीं करना है, सिर्फ हमें नॉलेज लेना है उनका कि ये क्या होती हैं, किस प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो जो मुख्य अवस्था है तीनों, वो तो होती हैं ठोस, द्रव और गैस, ठीक है।
अवस्थाएं, ठोस द्रव और गैस। ठीक है, जल्दी जल्दी हम इनके कुछ गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला गुण है कि इनका आकार, आकार कैसा होता है। तो जो ठोस पदार्थ है उस ठोस का आकार कैसा होगा, निश्चित होगा। द्रव का आकार निश्चित नहीं होगा और गैस का आकार भी निश्चित नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो होगा आकार की बात करें, निश्चित अनिश्चित और अनिश्चित। अब हम बात करें आयतन की, तो इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है आपको। ठोस द्रव गैस के आकार के बारे में आपको पता है। ठीक, दूसरी हम बात कर रहे हैं इनके आयतन की, तो जो ठोस का आयतन होगा वो निश्चित होगा, द्रव का भी निश्चित होगा। ठोस का आयतन निश्चित, द्रव का आयतन तो निश्चित रहेगा। द्रव का एक लीटर दूध है, हम उसको कहीं भी ले जाए, अपने साथ बैग में रख के स्कूल भी ले आए तो एक लीटर ही रहेगा वो, तो परिवर्तित नहीं हो जाएगा। और गैस का आयतन होता है अनियमित। गैस का जो आयतन है वो जिस बर्तन में आपने गैस भरी हुई है, जहां पर उस गैस को रखा हुआ है, उस बर्तन के आयतन के बराबर हो जाएगा। आपने छोटे बर्तन में रखे, छोटे बर्तन में, अगर बड़े कमरे में उसको फैला दिया तो जो कमरे का आयतन था वही आयतन किसका हो जाएगा, गैस का हो जाएगा। इसके बाद आती है घनत्व। ठोस का घनत्व अधिक होता है द्रव का, इससे तो कम होगा और इससे ज्यादा होगा। मतलब ठोस से कम एवं गैस से अधिक और इसका अत्यंत कम, बहुत कम। संपीड्यता, यहां संपीड्यता बहुत कम होगी। संपीड्यता मतलब उसको हम दबा सकें क्या, कंप्रेस कर सकें क्या। ठीक है, तो संपीड्यता बहुत कम। ठीक है, अति नगण्य, इनमें संपीड्यता नगण्य नहीं होती संपीड्यता। ठीक है, और इसमें संपीड्यता होती है। जो गैसें हैं, गैसों में संपीड्यता कैसी होती है, बहुत ज्यादा या अत्यधिक। अंतरणविक आकर्षण बल, अंतरणविक आकर्षण बल सबसे ज्यादा किसमें होंगे, ठोस में, फिर द्रव में और फिर गैस में। सबसे ज्यादा इसमें अत्यधिक, ठीक है, इसमें कैसे होंगे, अत्यधिक ठोस में सबसे ज्यादा, इसमें दुर्बल और इसमें नगण्य। तो ये अंतरणविक आकर्षण बल हो गए। ठीक है, इसके बाद आता है अंतराल, अंतराणु अंतराल, सबसे ज्यादा इसमें, उससे कम इसमें और इसमें सबसे कम, और विसरण अत्यंत कम, थोड़ा बहुत और बहुत ज्यादा। ठीक है, ये इनके कुछ गुण थे जो ठोस द्रव गैस तीनों पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के बारे में। चौथी अवस्था होती है राजमा और पांचवी होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जो हम अगली क्लास में देखेंगे। नमस्कार।